राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है एक पल की बात। अरे नहीं भाई नहीं भाई, दादाजी सुनाइए ना। दादाजी सुनाइए। अच्छा ठीक है, कहानी तो आज मैं तुम्हें एक बहादुर बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। बहादुर बच्चे की? हाँ, लेकिन तुम्हें शांत होकर सुनना होगा। ठीक है दादाजी। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, जानते हो बहादुर बच्चा कौन था? कौन था दादाजी? वो था गोविंदन, जो तमिलनाडु का रहने वाला है। दादाजी, तमिलनाडु दक्षिण भारत में है ना? हाँ, शाबाश। वहीं के एक गांव में रहता था गोविंदन। अच्छा। हाँ, वो आठवीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ने में बहुत होशियार था गोविंदन। अच्छा दादाजी। हाँ, सारे अध्यापक उसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, पढ़ने में भी होशियार था। और बच्चों, उसकी बहादुरी ने तो कमाल ही कर दिया। क्या क्या गोविंदन ने दादाजी? बताता हूँ, ध्यान से और शांत होकर सुनो। देखो, एक दिन की बात है, गोविंदन स्कूल से घर जा रहा था। जैसे ही गोविंदन स्कूल के बाहर सड़क पर गया, तभी उसने देखा कि सामने सड़क के उस पार एक ट्रक खड़ा है और एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में कटोरा लिए हुए, कंधे पर झोला टांगे, लाठी टेकते हुए खड़े हुए ट्रक के पीछे से आगे की ओर निकल रहा है। अंधे को कुछ पैसे दे दे बाबा, कुछ पैसे दे दे बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ पैसे दे दे बाबा। अरे, ये बूढ़ा आदमी ऐसे क्यों चल रहा है? अंधे को कुछ पैसे दे दे बाबा, कुछ पैसे दे दे बाबा। अरे, ये तो भिखारी है, अंधा है बेचारा। अरे, ये कहाँ जा रहा है बीच सड़क की ओर? किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। अरे अरे बाबा, अरे वो भिखारी बाबा, जरा संभल कर चलिए। अरे, बीच सड़क की ओर कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे बाबा संभल कर, अरे देखिए उधर से बस आ रही है। अरे भिखारी बाबा, आपसे बोल रहा हूँ मैं। अरे भिखारी बाबा, देखिए बस आ रही है। अरे वो, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, ये तो अंधे हैं, देखेंगे कैसे, अब क्या करूं? अरे, ये बस तो बड़ी तेज आ रही है, मैं क्या करूं? गाड़ी रुकवाता हूँ। अरे वो ड्राइवर भैया, गाड़ी रोको। अरे गाड़ी, फिर क्या हुआ दादाजी? फिर बस की आवाज और शोरगुल में गोविंदन की पुकार खो गई। अब गोविंदन के सामने एक ही रास्ता था। झट उसने अपना बस्ता पटका और तेजी से सड़क के बीचों बीच दौड़ पड़ा। बाबा को रुकना पड़ेगा। तो क्या वो गाड़ी के नीचे आ गया दादाजी? अरे नहीं, तब तक तो गोविंदन उस भिखारी के शरीर पर कूद पड़ा और उसे लेकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। बाबा बचो! क्या हुआ भाई साहब? एक्सीडेंट, देखो ना क्या हुआ। किसी को चोट तो नहीं आई? अरे बच्चा कहाँ है? उठाओ 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 बाबा, ड्राइवर। हाँ बाबा, चोट तो नहीं आई? खून बह रहा है। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? मैं गिर कैसे गया? अरे बच्चे ने बचा लिया, नहीं तो तुम कौन हो बेटा? बाबा बाबा, बस के नीचे आते आते बचे हैं। अगर बच्चा ना गिरता बाबा पर, तो न जाने क्या हो जाता। क्या इस
इस नन्हे से बच्चे ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। शाबाश बेटा शाबाश, भगवान तुझे खूब लंबी उम्र दे, 100 साल की उम्र कमाल कर दिया। शाबाश बेटा, कैसे कूदकर उसके आगे से बूढ़े बाबा को बचाया है। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश, जीते रहो बेटा जीते रहो। गोविंदन ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ दादाजी, और क्या, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ बच्चों, सड़क पर सभी लोग गोविंदन की बहादुरी पर उसे शाबाशी दे रहे थे। अरे वाह, ऐसी बहादुरी पर तो उसे इनाम मिलना चाहिए था। और क्या दादाजी? मिला ना बच्चों। बच्चों, गोविंदन को तो उसकी इस बहादुरी के लिए राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिला। दादाजी, हम भी ऐसे ही बहादुरी के काम करेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा ना दादाजी? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। लेकिन बच्चों, ऐसे काम पुरस्कार के लिए नहीं किए जाते। समझ गए ना? हाँ, जी दादाजी। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।